समोसा वाला। एक गांव में बाबजी नाम का समोसा वाला रहता था। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, आओ भाई आओ, कहकर आवाज देता अपने आप से। धत, क्या किस्मत है, मुझे कहाँ होना चाहिए था। मेरे बापू के वजह से मैं समोसे बेच रहा हूँ। हर रोज पिताजी के फोटो के सामने खड़े होकर, तुम टाटा या बिरला होते तो मुझे यूँ समोसा बेचना ना पड़ता। ये छोटा सा घर और समोसे की रेडी के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है। यूँ वो मन मार कर समोसा बेचता था, ग्राहकों से भी चिड़चिड़ा रहता था। ये क्या, समोसा गरम नहीं है? अब तुम्हारे 5 रुपए के लिए माइक्रोवेव में गरम थोड़ी कर सकता हूँ। लेना हो तो लो, वरना रहने दो। वो ग्राहक डांट कर चला गया। यूं ही बीत रहा था कि एक दिन एक मोटा और गंजा व्यक्ति उसके रेडी के पास आया। क्या तुम्हें अमेरिका भेजूं? अरे भाई, यूं अरे गहरे को अमेरिका भेजने लगे तो हमारी एजेंसी का इज्जत का क्या होगा? ये नहीं होगा, तुम कोई काम नहीं जानते, कम से कम समोसा बनाना जानते तो मैं किसी होटल में तुम्हें नौकरी दिला देता। टाइम वेस्ट मत करो और फोन रखो। बाबजी उतावला होकर उसे देखने लगा। वो समोसा खाने के बाद पैसे देने लगा। अरे सर, आप रहने दो, आप बड़े आदमी हैं। आप अमेरिका की बात कर रहे थे सर, कौन हैं आप? मेरा नाम रंगून भाई है, शहर में मेरा ट्रैवल एजेंसी है। युवकों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा भेजता रहता हूँ। आजकल वीजा मिलना मुश्किल हो गया है, कोई काम में प्रवीणता ना हो तो वीजा नहीं मिलता। सर, अभी आप फोन पर कह रहे थे मुझे समोसा बनाना आता है, मुझे अमेरिका भेजें सर प्लीज। रंगून भाई ने उसे ऊपर से नीचे देखा। अमेरिका जाना, अंबाला जाना जितना आसान नहीं है। वीजा प्रोसेसिंग, फ्लाइट का किराया, स्टैंपिंग जैसे बहुत सारे खर्च होते हैं, वो सब तुमसे नहीं होगा। कितना खर्चा होगा सर? 10 लाख लगेंगे। उतना पैसा मेरे पास नहीं है, अपना घर बेचूंगा तो 3 लाख मिलेगा। सर, किसी भी तरह मुझे अमेरिका भेज दें सर प्लीज। आप चाहो तो मैं वहां जाकर खूब पैसे कमाकर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। 3 लाख नामुमकिन, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ कर जाओगे। मुझे तुम जैसे जोशीले बहुत पसंद है। चलो देखते हैं, कोई रास्ता निकालता हूँ, तुम पैसे तैयार रखो, मैं 10 दिन में फिर आऊंगा। बाबजी ने खुशी से उन्हें गले लगाया, ने अपना घर बेच दिया। गांव में हर एक से, अब मैं इस कूड़े में नहीं रहूंगा, अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें चंदा भेजूंगा, उससे गांव में शौचालय बनवाना। काका, मैं ये समोसा की रेडी इनाम में दे रहा हूँ, ले लो। गांव के लोग सोचने लगे, ना घमंडी है। 10 दिन बाद रंगून भाई बाबजी को एक बंदरगाह ले गया। अमेरिका तो हवाई जहाज में जाते हैं ना, आप यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे पैसों से हवाई जहाज में भेजना मुश्किल है, पर से तुम 10वीं पास भी नहीं हो, तुम्हें एयरपोर्ट में पांव भी रखने नहीं देंगे, पता है? पर तुम चिंता ना करो, तुम्हें अमेरिका भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। यूं उसे एक छोटे नाव के पास ले गया। तुम इस नाव में थोड़ी दूर जाओगे तो एक बड़ा जहाज आएगा, तुम्हें उस पर चढ़ा देंगे। वो जहाज तुम्हें मेक्सिको ले जाएगा, वहाँ हमारे आदमी तुम्हें दीवार फांद कर अमेरिका भेज देंगे, बस। बहुत शुक्रिया सर, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कहकर उसे पैसे दिए। चौकन्ना रहना, अमेरिका में ठग रहते हैं, होशियार रहना। बाबजी यूं नाव में जाने लगा। बहुत देर होने पर भी जहाज नहीं आया। बाद में नाव चलाने वाले से, क्यों भाई, सही रास्ते जा रहे हो ना? जहाज नहीं आ रहा है। मैं तो सही रास्ते ही जा रहा हूँ, मुझे 2000 देकर कहा कि मैं तुम्हें 2-3 घंटे समुद्र में घुमा कर वापस वहीं छोड़ दूं और 10 मिनटों में हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। बाबजी को सारी बात समझ में आई। और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। कुछ दिनों बाद काका से समोसा की रेडी वापस लेकर समोसे बेचने लगा। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, कहकर बेच रहा था तो गांव वाले
उसका मजाक उड़ाते थे। एक गांव में बबलू नाम का आदमी रहता था। सुबह जागने तक से लेके रात को सोने तक वो सिर्फ सेलफोन पर गेम्स खेलता रहता था, सिनेमा देखता रहता था और यूट्यूब देखता रहता था। फेसबुक पे पोस्ट करता रहता था, हर पोस्ट को लाइक किया करता था, व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ शेयर करता रहता था। यही उसका दिन भर का काम था और बिल्कुल समय नहीं होता था। हर फोन ऐप उसके फोन पे था, हर वीडियो गेम उसके फोन पे था। वो नहाने जाता तो सेलफोन को साथ लेके बाथरूम में जाता और इसीलिए वो वाटरप्रूफ सेल खरीदा हुआ था। माँ को वो मैसेज करता था कि उसे खाना परोसे। उसकी माँ मैसेज देखकर उसके लिए खाना रेडी करती थी और खाते खाते वो फोन पर वीडियो देखता ही रहता था। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अपने पापा को वो रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भी किया करता था। अरे भागमती, ये तो घर पर ही है, खुद आके गुड मॉर्निंग कह सकता है ना, ये फोन पे मैसेज क्यों करता है? उसके पास टाइम कहाँ है? आपने ही लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ दिया है। मैं तो डरती हूँ उसका क्या होगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं कैसे सुधारूं। बबलू जब रोड पे से चलते हुए जाता तब भी वो सेलफोन देखते देखते ही चलता। एक दिन वो चल के जा रहा था, एक मैन होल खुला पड़ा था पर उसका ध्यान तो सेलफोन में लगा था और वो चलते जा रहा था। वो ड्रेनेज में पैर रखने ही वाला था, अंदर से एक वर्कर बाहर आया। बबलू उसके सर पे पैर